भारत में चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले ढेर सारे फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत ने सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है, जिससे इन पांचों देश को भारत की तरफ से एक साथ इतना बड़ा झटका लगा है कि यह सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। कि वीट को वापस कर दिया है, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इंडिया और टर्की के ताल्लुकात और ज्यादा खराब होते हुए हो गए हैं अब तो, मतलब जिस तरह उन्होंने ये मतलब इकदाम किया है। देखें, अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया तो दिन पर दिन रेत की तरह के हाथ से उसकी जिंदगी फिसलती जा रही है, और अगर इंडिया ने एग्रीमेंट नहीं किया तो समझ लीजिए कि जो इकोनॉमी है वो डूबती हुई नजर। इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड बाय 2027। 2027 में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है दुनिया की, और उनका भी कहना है कि ये अचीवेबल है ये टारगेट। देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिजनेस आप कर रहे होते हैं तो बिजनेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब वो एक तरह से क्या वाकई में घुटनों पर आ गया है या अब प्रॉब्लम ये है? घास नहीं डाली, हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं, आप जानते ही आजकल पाकिस्तान से बुरा जाने का कि जो हाल इस टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को असली दुख है। मोदी के आने का पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती बाड़ी काफी करी जाती है, पर भाई कई ऐसे खाने के सामान है जो भारत अभी भी उत्पाद नहीं कर पाता है, तो वो बाहर के देशों से वो चीज़ें मंगवाता है, जैसे चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान और तुर्की जैसे देशों से भारत कई चीज़ें खाने पीने की मंगाता है। पर इसका मतलब ये है कि भारत को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, और ये जो देश है जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये दोस्तों भारत को लूटते थे। इन्होंने पूरी लूट मचा रखी थी, इनको लगता था कि भारत को तो ये सब प्रोडक्ट चाहिए, भारत की डिमांड है, तो इन्हें कैसा भी सामान बेच दो। पर इस बार दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। भारत ने चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान और तुर्की के जो खाने के सामान जो भारत में आ रहे थे उनको दोस्तों रिजेक्ट कर दिया है, और बोल दिया है कि सेफ्टी कंसर्न की वजह से हम ये सब सामान नहीं ले सकते। दोस्तों, इससे तो इन देशों में बवाल ही हो गया कि भाई भारत ऐसे कैसे मना कर सकता है। दोस्तों, भारत की इतनी ताकत हो चुकी है अब कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, पर अब अपनी सेफ्टी के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकता। वीट जो है एक्सपोर्ट करने जा रहा था, एंड टाइम पे उनकी वीट लेने से इनकार कर दिया, तो चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, तुर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और अगर उसने ऐसा किया तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिजनेस आप कर रहे होते हैं तो बिजनेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं, और जब आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा तो आपके मुल्क की करेंसी जो है वो नीचे आएगी, आपके मुल्क का जो मुकाम है, वक़ार है, वो भी नीचे गिर जाएगा, तो बुरी बात है। उन्होंने मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को मतलब मद्देनजर रखते हुए मतलब उन्होंने फसाद फैलाने के लिए वीट को वापस कर दिया है, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि इंडिया और टर्की के ताल्लुकात और ज्यादा खराब होते हुए हो गए हैं अब तो, मतलब जिस तरह उन्होंने ये मतलब इकदाम किया है? देखें, दो कंट्रीज के ताल्लुकात क्यों बनते हैं? ट्रेड से बनते हैं। जब आप ट्रेड में इस तरीके से धोखा देंगे और उनके साथ की हुई डील कैंसिल कर देंगे, उस वक्त जब आपने मुझे कहा है कि मैं डिलीवरी आपको करूं, आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे डिलीवरी करें, मैं डिलीवरी पैक लेके आपके घर के बाहर खड़ा हूं, आप दरवाज़ा ना खोलेंगे तो मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, मैं तो आइंदा फिर आपका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। ट्रेड तो दूर की बात, मैं आपको मुँह ही नहीं लगाऊंगा, आप कहीं खड़े होंगे तो इस तरह नहीं होता। बहुत ज़्यादा गलत बात है। इंडिया एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब बन चुका है, इंडिया के साथ और मुल्क भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर तुर्की ने ऐसा किया है पॉलिटिकल चीज़ों को बुनियाद बनाकर, तो ये बड़ी गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ। और बहुत सारे ग्राहक हैं, अगर मेरी दुकानदारी अच्छी है
मेरे पास दुकान में, मेरे गोदाम में माल पड़ा हुआ है, दुनिया मेरे से माल खरीदना चाहती है, वीट हो गया, राइस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो मतलब इंडिया तो एक प्रॉपर हब बन चुका है, दुनिया उनके साथ ट्रेड करना चाहती है, उनके साथ लेन देन के जो मामला है उनको डील करना चाहती है। तुर्की का ये इक़्तदाम जो है, ये कदम जो है, ये इंतहाई नामनासिब है। अब प्रॉब्लम ये है, घास नहीं डाली हमारे वाले तो वैसे भी समस्या वाले हैं, आप जानते ही आजकल पाकिस्तान से बुरा बन जाने का कि जो हाल इस टाइम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को असली दुख है। मोदी का, मोदी के आने का पूरी दुनिया में जिन दो को सबसे ज्यादा दुख है, तीन को, उनमें से एक जो है वो तो पाकिस्तानी है, दूसरे मुसलमान है, और तीसरा वो चाइना है। उसके बाद अमेरिका का नंबर भी आता है, यूरोपियंस का नंबर भी आता है कि भाई ये इंडिया की ये वाली सरकार जो है ये काबू में नहीं आती। पाकिस्तान, वही सीधी सी बात है, आप सोचकर देखिए, आपने जब 2008 में अटैक किया उसके जस्ट साल भर बाद ही आपने बातचीत, इंडिया ने बातचीत करना शुरू कर दिया, डेलीगेट्स नहीं तो कम से कम टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 में बातचीत करना शुरू कर दिया। यहां वाले तो बैकडोर के अंदर बात करते हैं, चाय पी के आ जाते हैं काम पर, और उसके बाद कहते हैं अच्छा सोचेंगे। ये आपके साथ जो हाल कर रखा है यही हाल चाइना के साथ। अब मोदी ने आके सबसे पहले बता दिया कि प्यार ना करना किसे कहते हैं, फालतू की पूछ करनी बंद कर दी, सिंपल फैसिलिटीज जो चाहिए वो ले लो, वरना नमस्ते, कोई फालतू आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए, सब लोग परेशान हैं, तो अब इन सबसे, जिन सबसे पिछली वाली हर गवर्नमेंट घबराती थी, इन सबको एक तरीके से जिसे कहते हैं कि लाइन पे ला रखा है, वो सब परेशान है। तो इन क्या चीज है, आप मानेंगे पिछले 7-8 साल, मतलब जब से ब्रेग्जिट हुआ है 2018 से शुरू होने लगा था, 18 से 24, जहां तक 9 साल हो, मतलब 7 साल हो रहे हैं, 7 साल के अंदर इंडिया ने घास नहीं डाली। ये एक मुस्लिम, वहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है मुस्लिम्स की, तो हो सकता है वही ग्रजेज और वही चीज़ें अभी तक जहन में होंगे, इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने, या इकॉनमी उनके साथ मिलकर हमने बेहतर नहीं करनी, हम खुद से करेंगे। वो एक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट लोगों ने अपना बनाया हुआ है उसको लेकर, जहाँ मेजोरिटी और माइनॉरिटीज़ के डिफरेंस हो, तो ये एक बेसिक पर्पज़ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इकॉनमी बेहतर करने के लिए आई डोंट नो, मतलब वाई डिड दे टेक दिस डिसीजन, लेकिन उनको उनके हक में बेहतर लग रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बेसिक रीज़न हो सकती है, क्या होगा कि उनको नहीं चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी इनको वीट की। ये तो हर एक कंट्री का अपने वो जो ऊपर हुक्मरान बैठे थे ना, उनके डिसीजन होते हैं, ठीक है ना, ये ऑडियंस था मेरा, आपका किसी का भी डिसीजन नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, या इंडिया है, हिंदू हैं, उनको बस ये होगा कि हम अपनी इकॉनमी बेहतर करें, चाहे हम वो हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने ये सोच के जो है वो अपनी इकॉनमी बेहतर करने के लिए कि उसको मज़ीद डेवलप कंट्री की तरफ चले जाएँ, वो ये सोच के उन्होंने जो है वो किया होगा। अगर उससे उनके मुल्क की मईशत का फ़ायदा होता है तो ठीक है, वो कर सकते हैं। वो बाकी मार्केट लूज़ कर चुकी हैं, उनके पास इतना ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स वो कर रही हैं उसको फुल फ्लेज्ड लेवल पर बेच सकें। नतीजा उसका ये है, सबसे बड़ी मार्केट, इंडिया की मार्केट जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मार्केट है, इससे अंदाजा लगा कर देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कारें अगर बिकी हैं तो चाइना की, अप्रोक्सीमेट 2-2.5 करोड़ के आसपास कारें। अब चाइना कहता है इस कार वाली मार्केट में हाथ नहीं लगाने दूंगा, रियलिटी है चाइना के अंदर अपनी कारें चलती हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर होगा तो वो बाहर से कोई अमेरिका या ब्रिटिश मेड जो कार है वो बनवा पाता है, वरना वो नहीं लेके आ पाता। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि इंडिया की मार्केट के अंदर ओपन टू ऑल है, लेकिन वो दोस्तों वैसे तो भारत काफी चीजें अपनी प्रोडक्शन करता है, कई मसाले, कई फल, गेहूं, चावल, पर उसके बावजूद भी दोस्तों कुछ फल होते हैं जैसे ब्रोकली हो गया, कीवी, स्ट्रॉबेरी, और मेवों में हो गया अखरोट, इन सब की जो प्रोडक्शन होती है वो भारत के अंदर काफ़ी लिमिटेड होती है। इस वजह से दोस्तों भारत को बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। तो दोस्तों भारत ने सोचा कि क्यों ना अपने पड़ोसी देशों से ही मंगवा लिया जाए, क्योंकि जितनी पास से मंगवाएगी उतना ही कम खर्चा आएगा। इसी के चलते दोस्तों भारत ने सोचा कि क्यों ना पड़ोसी देशों से ही मंगवाया जाए। तो दोस्तों पड़ोसी देश भी तेज निकले, चीन जैसा शातिर कंट्री, वो सोचने लगा कि भारत को किसी भी क्वालिटी का सामान भेज दो, भारत को ज़रूरत है तो वो खरीदेगा ही। पर भारत अब ऐसा नहीं रहा, भारत ने साफ मना कर दिया, हमें चीज़ चाहिए तो अच्छी चाहिए वरना नहीं चाहिए। इसी के चलते भारत ने मना कर दिया कि हमें
ये सब सामान नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें हमें क्वालिटी पर संदेह हो रहा है। इस वजह से भारत ने उन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया जो बाहर के देशों से आ रही थी।